बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं शहरयार अहमद एक मरतबा फिर से आपको अपनी इस वीडियो के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। आज आप लोग बोर्ड के टाइटल से देखकर समझ गए होंगे कि आज से हम लोग ई कैट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन ई कैट की प्रिपरेशन करने से पहले मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आपके रमज़ान अच्छे चल रहे होंगे, और मैं कुछ दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग जानते होंगे कि ये ई कैट की वीडियो मैं काफ़ी टाइम से डालना चाह रहा था, लेकिन ये लेट हो गई। उसकी वजह बड़ी ये सिंपल है कि मैं थोड़ा डर रहा हूँ आपको ई कैट की तैयारी स्टार्ट करवाने से पहले पहले। मैं आपको उसकी दो सिंपल वजह बता देता हूँ। देखें, जब मैंने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी अपने आप से। इवन जब मैंने पहली वीडियो डाली थी तो उसका मकसद भी सिर्फ यही था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो कि मैं कोचिंग्स के अंदर या कॉलेजेस के अंदर या जो प्राइवेट में पढ़ाता हूँ, सिर्फ उनकी हेल्प आउट कर सकूं, क्योंकि मैं उनको डायरेक्टली नहीं पढ़ा सकता था। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब के मीडियम से उनको पढ़ा सकूं। साथ में अगर और कोई के नाम में ज्वाइन करना चाहे तो मैं उसको वो मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सके। बस मेरा एक यही मकसद था। लेकिन जैसे जैसे मैं वीडियोस डालता गया तो मेरे पास स्टूडेंट्स के और दूसरे स्टूडेंट्स के, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ और मेरा उनसे कोई पर्सनल इंटरेक्शन भी नहीं है, बेसिकली यूट्यूब इसीलिए ही है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन मेरे से कुछ बढ़ना शुरू हुई ना, तो मैं ई कैट की वीडियो डालने से पहले थोड़ा डरने लगा। तो इसलिए उस डर को ओवरकम करते करते मुझे थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन आज से मैंने तैयार कर लिया है कि मैं अब रोज़ाना एक ई कैट की वीडियो लाजमी तौर पर डालूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जिसको करवाने के लिए आपको मतलब जो ना थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि रोज़ाना एक एक वीडियो डालता रहूँ, अब से अपलोड करता रहूँ, और हमारा NET का टेस्ट आने से पहले पहले अपने कोर्स को ख़त्म कर लूँ, खासतौर पर ई कैट की केमिस्ट्री के कोर्स को ख़त्म कर लूँ। आप लोग बस दुआ करते रहना और इसी तरह से अल्लाह करे ये चलता रहे, आमीन सुम आमीन। आज की ई कैट की वीडियो जो है वो मेरी बहुत छोटी वीडियो होगी, क्योंकि एक बहुत स्टार्टअप वाली क्लास है, बहुत शुरू बेसिक वाली क्लास है, तो हम लोग उसको स्टार्ट करने लगे। लेकिन आगे आने वाली वीडियोस मेरी ई कैट की थोड़ी लंबी होंगी, हो सकता है कोई एक एक घंटे का लेक्चर भी हो उसके अंदर। तो ये तो एक बात थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। अच्छा, आपको मैं ई कैट के थोड़ा सिनेरियो बता देता हूँ जो एंट्री टेस्ट का होता है। आपको एक बात पता होगी कि एंट्री टेस्ट के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता ऑफिशियली तौर पे। NET के अंदर भी ऐसा ही है कि आपको कैलकुलेटर ऑफिशियली तौर पे अलाउड नहीं होता, लेकिन NET के अंदर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस कम होती है और स्टूडेंट्स अपने साथ कैलकुलेटर लेकर चले जाते हैं। लेकिन कराची यूनिवर्सिटी हो या सर सैयद हो या उस्मान हो या नस्ट हो फास्ट हो, इनके अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। आपको विदाउट कैलकुलेटर सारी, या मेडिकल की कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो तो उसके अंदर आपको विदाउट कैलकुलेटर सारी कैलकुलेशंस करनी होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके केमिस्ट्री के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे या इवन फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, आपको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने होंगे, और उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स आना ज़रूरी है। तो आज की ई कैट की पहली वीडियो के अंदर मैं आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताने लगा हूँ वो है स्क्वायर रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक, जो कि आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपने स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन स्क्वायर रूट कितने बड़े नंबर का, ये डिपेंड करता है स्क्वायर रूट कितने बड़े नंबर का। तो मैं बोलता हूँ कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट हो आप निकाल सकते हो, सेकंड्स के अंदर निकाल सकते हो। मैं आपको ऐसे तीन स्टेप्स बता दूंगा, आप तीन स्टेप्स के अंदर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे। लेकिन उसको समझना थोड़ा अच्छे से समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप खुद सोचो कि कौन कौन से नंबर। जैसे मैं देता हूँ कोई भी नंबर लगा लो, 7, 8, 3, 4, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 6, 7, 8, 3, 5, 4, 3, 6। अच्छा खासा बड़ा नंबर हो गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, कहीं सर तो नहीं चकरा रहा आपका इसको देखते हुए कि हम लोग इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझाता हूँ इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है एक मिनट के अंदर। देखें, आपके सामने ये इतना बड़ा नंबर है, आपका जहन चकरा रहा होगा कि भाई आखिर इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जा सकता है, और वो भी विदाउट कैलकुलेटर कैसे निकाला जा सकता है। बहुत आसान सी ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स के, 1 से लेकर 10 तक के जितने भी नंबर्स हैं, आपको उनके स्क्वायर्स पता होने चाहिए। अगर आपको उनके स्क्वायर्स पता है तो आप बड़ी आसानी से इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, आपके सामने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं उनके स्क्वायर्स लिख रहा हूँ। ये आप याद कर लें, आपको याद भी होंगे वैसे। मैं यहाँ पे स्क्वायर्स लिख रहा हूँ, जैसे कि पहला नंबर है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है। दूसरा नंबर है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3, 3 का स्क्वायर है 9, 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6, 6 का स्क्वायर है 36,
सेवन, सेवन का स्क्वायर है 49, एट, एट का स्क्वायर है 64, उसके बाद नाइन, नाइन का स्क्वायर है 81, टेन, टेन का स्क्वायर क्या है 100। आप बोलोगे भाई यहाँ तक तो हमें भी आता है, आगे ही बताओ। भाई देखो, अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स पता हैं, तो आप इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट बहुत आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इन नंबर्स को काउंट करना होगा। देखो, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपने इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप एक बात अपने ध्यान में बिठा लो, एंट्री टेस्ट के अंदर आपको एक्यूरेट आंसर नहीं निकालना, आपको एक अप्रोक्सीमेट सही आंसर निकालना है, यानी कि करीब तरीन सही आंसर निकालना है। एक्यूरेट आंसर के करीब तरीन सही आंसर आपने मालूम करना है। अगर थोड़ा बहुत मार्जिन आपके आंसर के अंदर गलत आता है, या वो थोड़ा आंसर आगे पीछे होता है, तो उसका मसला नहीं है। ई कैट के अंदर अगर आपने विदाउट कैलकुलेटर के सॉल्व करना है, तो आपने एग्जैक्ट सही आंसर नहीं निकालना, अप्रोक्सीमेट सही आंसर निकालना। मैं आपको करके बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। देखो, सबसे पहले आपके पास ये इतना बड़ा नंबर है, आपने इन नंबर्स की काउंटिंग करना शुरू करनी है, और काउंटिंग आपने हमेशा इवन नंबर्स के अंदर करनी है, ऑड नंबर्स के अंदर नहीं करनी। यहाँ पे मैं इवन और ऑड का डिफरेंस अभी आपको नहीं बताने बैठूंगा। देखो, इवन नंबर्स के अंदर हम लोग काउंट करेंगे। देखो, यहाँ से काउंट करना शुरू करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। और ज्यादा से ज्यादा 2 डिजिट छोड़ना है, 2 डिजिट से ज्यादा मैंने नहीं छोड़ना है। अगर मैं यहाँ पर 1 डिजिट और काउंट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये जो पूरी काउंटिंग थी, ये ऑड नंबर में चली जाती। जैसे ये 18 मैंने काउंट किया, मैंने 18 डिजिट्स जो काउंट किया, अगर मैं ये एक 7 और काउंट कर लेता, तो ये 19 हो जाता, और 19 के अंदर ऑड डिजिट, ऑड नंबर हो जाता। मुझे ऑड नंबर्स के अंदर काउंटिंग नहीं करनी, बल्कि मुझे इवन नंबर्स के अंदर काउंटिंग करनी है, वो मेरे लिए ज्यादा आसान है। ठीक है, ऑड नंबर्स में मुझे काउंटिंग नहीं करनी। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको काउंट करते हुए आ रहा होता, और यहाँ पे 7 भी काउंट कर लेता, लेकिन तब तक इवन नंबर्स में चलता रहता, तब तक सही था। मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों में आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने अभी इन सारे नंबर्स को काउंट किया ना, ये सारे नंबर्स कितने 18 डिजिट्स हैं ये। अब मैं इन 18 डिजिट्स की जगह पे इनको इग्नोर करूंगा, और इनकी जगह पे लिखूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने 37 ऐसे ही छोड़ा, मैंने 37 ऐसे ही लिखा, उसके बाद लिखा मल्टीप्लाई बाय 10, कितने डिजिट्स है ये 18 डिजिट्स है, तो मैंने यहाँ पे 18 डिजिट्स की जगह पे 10 की पावर लिख दी 18। अब देखो, यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अंडर रूट 37 को मैं अलग कर लूंगा, मतलब यानी कि इसका रूट अलग कर लूंगा, इसका रूट मैं यहाँ पे अलग कर लूंगा, और इसका रूट मैं यहाँ पे अलग कर लूंगा। बीच में मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही, यहाँ पे अंडर रूट 10 की पावर 18 अलग हो गया। अब देखो, ये जो अंडर रूट वाली टर्म है, ये अंडर रूट वाली टर्म तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अगर अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है अंडर रूट 10 की पावर 18, तो आप क्या करो, रूट हटा दो, और 18 जो नंबर है, जो भी नंबर है यहाँ पे, उसका आधा करके लिख दो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 10, 18 का आधा कितना हो गया 9, मैंने यहाँ पे लिख दिया 9, अंडर रूट हटा दिया, और बीच में क्या आ गया, मल्टीप्लाई का निशान एज इट इज आ गया। अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट 37, ये जो अंडर रूट 37 है, आप यहाँ पे स्क्वायर्स के अंदर देखो, ये 37 जो आ रहा है वो किस नंबर के करीब आ रहा है। अगर आप 37 देखोगे, 37 एक आपने इसका स्क्वायर रूट निकाला, 37 किसके करीब आ रहा है, 36 के करीब आ रहा है। अब आप ये देखो, 37 36 से बड़ा है या छोटा है, 37 36 से बड़ा है। अब बड़ा है तो कितना बड़ा है, थोड़ा सा ही बड़ा है। अब देखो, 36 का रूट क्या होता है, 6। अगर 36 का रूट 6 होता है, तो 37 का स्क्वायर रूट भी 6 के करीब आएगा, लेकिन 6 से थोड़ा ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 37 36 से ऊपर है। बात समझ आ गई, इसी तरह से हमने कैलकुलेट करना है, और कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है। आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी नंबर होगा, आप उस नंबर को इन नंबर्स के दरमियान में देखोगे, इन नंबर्स के दरमियान में ये देखोगे कि वो कौन से नंबर्स के करीब आ रहा है, और कौन से दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, इस तरह से करके देखोगे। आपको 2 एग्जांपल्स बताऊंगा, 2 एग्जांपल्स में समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे देखो, 37 36 के करीब आ रहा था, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट भी 6 से करीब होगा, और क्योंकि 36 37 से छोटा है, यानी कि 37 जो है वो 36 से बड़ा है, तो उसका स्क्वायर रूट भी 6 से थोड़ा सा बड़ा होगा। मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, 6 से बड़ा लिख लिया, 6.1 अपने अंदाजे से लिख लिया, और मेरे नजदीक ये आंसर होना चाहिए। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इस पूरे नंबर को आप कैलकुलेटर के अंदर डालें, और फिर उसका आंसर निकालें,
यहाँ पर उसका आंसर चेक करें, उसका आंसर अगर 6 exponential 9 आ गया तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है। ये जो पॉइंट के बाद का नंबर है इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, उससे इतना ज्यादा मसला नहीं होगा, क्योंकि आपको जो चार ऑप्शंस गिवन होंगे उसमें चारों ऑप्शंस बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे ईकैट के अंदर खासतौर पर। ठीक है, अब यहां से मैं इसको मिटाने लगा हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन लिखने लगा हूं। देखो बेटा, आपके पास अब ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। देखिए, ये मैंने पूरा रैंडम सा नंबर पूरा उठा लिया जो इतना बड़ा नंबर है, और हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए, इसका स्क्वायर रूट निकालते हुए हम वही ट्रिक को यूज करेंगे। सिर्फ पहले हमने क्या करना है, इन सारे नंबर्स को काउंट करते हुए आना है, आखिर से लास्ट से काउंट करना है। आखिर से काउंट करते हुए हमने इवन नंबर्स के अंदर काउंट करना है, ऑड में काउंट नहीं करना। अभी हम काउंट करना शुरू करते हैं। जैसे देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। अब देखो, मैं यहां से आखिर से काउंट करते हुए आया, मैं 16 पे पहुंच कर रुक गया। 16 पे पहुंच के मुझे इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि मुझे सारे नंबर्स इवन में काउंट करने थे, इसे ऑड में काउंट नहीं करना था। यानी कि अगर मैंने 16 काउंट किया तो मैं 15 नहीं काउंट करना चाहता था, ना ही मैं 17 काउंट कर सकता था, ना 13, कुछ भी नहीं काउंट कर सकता था, मुझे इवन नंबर्स में काउंट करने थे। ये तो एक बात हो गई। ये जो इतने सारे नंबर्स हैं, इसकी जगह में मैं क्या लिखूंगा, 10 की पावर 16। अब देखो, आपके जहन में दोबारा से सवाल उठ सकता है कि मैंने 7 को शामिल क्यों नहीं किया। भाई देखो, आप एक बात समझ लो, आप जब इवन नंबर्स में काउंट करते हुए आओगे, आपने अपने जहन में ये बात लाजमी तौर पर बिठा के रखनी है कि आखिर में आपने कम से कम एक डिजिट और ज्यादा से ज्यादा दो डिजिट बचा कर रखने, सही ना, बचा कर रखने उनको, और अब उनको अलग करके लिखना। जैसे यहाँ पे 7 बचा, हमने 7 को अलग कर कर लिख लिया। अब देखो, इसके बाद बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे अंडर रूट 7 को अलग करके लिख लिया, यहाँ पे हमने अंडर रूट 7 को अलग करके लिखा, मल्टीप्लाई ऐसे लिखा, और उसके बाद अंडर रूट 10 की पावर 16 हमने अलग करके लिख लिया। अब देखो, ये जो अंडर रूट 10 की पावर 16 है, इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 16 का आधा क्या होता है, 16 का हाफ होता है 8, तो मैं क्या लिखूंगा, 10 की पावर 8 और रूट को हटा दूंगा, बस इस तरीके से मैं करूंगा। अब यहाँ पे ये जो नंबर है, इसको असल सॉल्व करना है, यानी से हमने 7 का रूट निकालना है। 7 का रूट निकालते हैं, हम ये देखेंगे 7 कौन से नंबर्स के दरमियान में आ रहे हैं, 7 कौन से नंबर्स के दरमियान में आ रहे हैं। यहाँ पे स्क्वायर में 7 दरमियान में आ रहे हैं, 4 और 9 के दरमियान में। अब 4 और 9 के दरमियान में अगर 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका स्क्वायर रूट भी 2 और 3 के दरमियान में आएगा। बात समझ में आ गई, 7 अगर 4 और 9 के दरमियान में आ रहा है, तो उसका स्क्वायर रूट भी 2 और 3 के दरमियान में आएगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अब हम इधर क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि 7, 4 और 9 के दरमियान में आ रहे हैं, तो करीब किसके ज्यादा है, 7, 4 से ज्यादा करीब है या 9 से ज्यादा करीब है। तो आपका आंसर ये होगा कि 7, 9 से थोड़ा ज्यादा करीब है और 4 से थोड़ा सा दूर है, सही। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसी तरह से मैं बोलूंगा कि उसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 2 और 3 के दरमियान में आएगा, लेकिन क्योंकि 7, 9 से थोड़ा ज्यादा करीब है, तो इसलिए 2 और 3 के दरमियान में जो उसका स्क्वायर रूट आएगा वो भी आंसर 3 के थोड़ा ज्यादा करीब होगा, 2 से थोड़ा सा दूर होगा। यानी कि बीच वाला आंसर नहीं होगा, 2 और 3 के दरमियान का जो आंसर होता है वो 2.5 होता है, तो 2.5 आंसर नहीं होगा, 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी कि 2 से थोड़ा सा दूर होगा और 3 के थोड़ा करीब होगा। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे आंसर होगा 2.6 या 2.7 के आसपास। मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से एक नंबर लिख रहा हूँ, 2.6 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे ये मेरा दुक्का होगा, और आप लोग यहाँ पे क्योंकि मैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से विदाउट कोई कैलकुलेशन किए बोर्ड पे ऐसे लिख रहा हूँ नंबर, और मैंने इसको खुद भी सॉल्व नहीं किया, तो हो सकता है कि ये गलत हो। आप लोग क्या करो, यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, इस नंबर को कैलकुलेटर में डालो और इसके स्क्रीनशॉट लो, और फिर उसके बाद आंसर निकाल के चेक करो क्या ये आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर अभी भी मेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आई है, तो एक काम करो, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और फिर थर्ड क्वेश्चन के अंदर हम लोग समझते हैं क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। देखिए, 9, 2, 9, 3, 9, 4, 9, 5 में ये मैंने रैंडम क्वेश्चन दोबारा से उठा लिया। अब की मतलब मैंने थोड़ा छोटा इसलिए रखा ताकि शायद आपको आसानी से और समझ में आ जाए। देखिए सोल्यूशन, अब हम क्या करेंगे, अगेन वही ट्रिक यूज करेंगे। लास्ट से हम लोग डिजिट लास्ट है ना, मतलब आखिर से हम लोग क्या करेंगे, इन डिजिट्स को काउंट करना शुरू करेंगे इवन नंबर्स के अंदर। देखिए, मैंने यहाँ पे काउंट करना शुरू किया, हमें आखिर तक पहुंचते कम से कम एक डिजिट और ज्यादा से ज्यादा दो डिजिट छोड़ देने हैं इवन नंबर्स में काउंट करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं काउंट करते वाला हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब मैं यहाँ पे पहुंच कर रुक जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं 6 के बाद 7 पे आऊंगा
तो ये ऑड नंबर हो जाएगा, और मुझे ऑड नंबर नहीं चाहिए, मुझे इवन नंबर में रोक लेना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, आखिर में कम से कम दो डिजिट्स मैंने छोड़ लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंडर रूट 92 मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट्स हैं, ये 6 डिजिट्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, 10 की पावर मैंने 6 लिख लिया। अब जब यहां तक मैंने कर लिया है, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अंडर रूट 92 को अलग करके लिख लूंगा, अंडर रूट 92 को अलग किया और यहाँ पे अंडर रूट 10 की पावर 6 को अलग कर लिया। अब देखो यहाँ पे जो अंडर रूट 10 की पावर 6 है, इसको तो सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। यहाँ पे 6 का आधा क्या हो गया, 6 का आधा हो गया 3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 की पावर 3। ये तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे रह गया अंडर रूट 92। अंडर रूट 92 को हम लोग सॉल्व करने के लिए देखेंगे, 92 किसके दरमियान में आ रहा है, 92 दरमियान में आ रहा है 81 के और 100 के दरमियान में। अब देखो 81 और 100 के दरमियान में अगर आप 92 सोचोगे, तो ये देखो कि 92 किसके ज्यादा करीब है, 81 के ज्यादा करीब है या 100 के ज्यादा करीब है। तो यहाँ पर देखने में ऐसा लगता ही है कि 92 ना 81 के ज्यादा करीब है और ना 100 के, दोनों के दरमियान में आ रहा है। लेकिन अगर तुम या आप लोग सही से ध्यान से सोचोगे, तो हो कुछ ऐसा है कि 92 जो है वो 100 से जरा सा करीब है और 81 से जरा सा दूर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 9 और 10 के दरमियान में निकलेगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो 9 से जरा सा दूर होगा और 10 से जरा सा करीब होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 और 10 के दरमियान का डिजिट क्या हुआ, 9 और 10 के दरमियान का जो डिजिट है वो है 9.5। तो 9.5 नहीं होगा, बल्कि 9 से थोड़े से दूर कर लो, यानी 9.5 की बजाय 9.6 कर लो। 9.6 जो है वो 10 के ज्यादा करीब है और 9 से थोड़ा सा दूर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, अंडर रूट 92 की जगह क्या लिख रहा हूँ, 9.6 लिख रहा हूँ, और मेरे नजदीक ये सही आंसर होगा इंशाल्लाह ताला। आप इसको अगेन कैलकुलेटर के अंदर जाके सॉल्व कर लें। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ईकेट की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के ऊपर होगी, जिसके अंदर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा। उसके अंदर पहले आपको पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स से भी लेते हुए चलूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा, सब कुछ ईकेट की केमिस्ट्री के अंदर, यानी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर 1 है उसको ईकेट के तरीके से पढ़ाऊंगा। अच्छा, मैं आप लोगों को अनीस हुसैन के उससे पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जो नोट्स है अनीस हुसैन के ईकेट की जो पूरी बुक है उससे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो मेरा मशवरा ये कि आप लोग भी जब तक ईकेट की जो फर्स्ट ईयर की बुक है अनीस हुसैन की और सेकंड ईयर की भी, आप उसको कहीं से अरेंज कर लें, अपने रेफरेंस वगैरह इस्तेमाल करें, आपके कजन्स में, दोस्तों में, भाइयों बहनों में या रिश्तेदारों में या पड़ोसियों में किसी ने भी, लाजमी तौर पर ऐसा तो होगा ना, हम लोग कोई गाँव देहात के अंदर तो है नहीं, आप में से किसी ने तो अनीस हुसैन से या किसी भी इंस्टीट्यूट से तैयारी की होगी ईकेट की, तो आप उससे बुक्स कलेक्ट कर लें, चाहे फिर वो अनीस हुसैन की हो या फिर किसी की भी हो, आपको उससे समझ आना शुरू हो जाएगा। तो मेरा मशवरा है कि आप ईकेट की बुक्स अरेंज कर लें और इंशाल्लाह इस तरह से मेरी वीडियो आगे चलती रहेंगी। अगर हाँ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोने में जो बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली ईकेट की वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपको मेरा चैनल वाकई बहुत अच्छा लगता है तो आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे व्हाट्सएप के नंबर पर आप मैसेज करके बता सकते हैं। जज़ाकअल्लाह, अपना ख्याल रखें और रमज़ान अच्छे से गुजारें। अल्लाह हाफिज़।